नमस्कार, मैं हूं अमजद हुसैन और आप हैं इस वक्त सिटी 24 न्यूज के संग। हर पल नई खबर। तिलावे नदी का बांध टूटने से कई गांवों में घुसा पानी। रामगढ़वा। तिलावे नदी का बांध टूटने से प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे भालुवाहिया, थिनहरदेहुनी, गुबेटोला सहित कई गाँव बाढ़ से प्रभावित हुआ है। यहाँ बता दें कि इस बाढ़ से खेत सहित कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क भी टूट गए हैं। एक वैकल्पिक रास्ता भी है जो रक्सौल जाने के लिए है, जिसको बाढ़ ने तोड़ दिया है, जिससे इस रास्ते से सवारी द्वारा आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाढ़ के पानी के कारण हमारी धान की फसलें बर्बाद हो गई, अब फिर दोबारा धान के बीज को गिरानी पड़ेगी। इस बाढ़ से खेत ही नहीं रास्ते को भी तोड़ दिया है। लोगों ने यह भी बताया कि पिछले साल इस तिलावे नदी का बांध टूटा था, जिस बांध को अच्छी तरह से नहीं बांधा गया था, इसलिए फिर से यह बांध टूट गया। अगर इसकी बंधाई अच्छे से हुई होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। रामगढ़वा से अफजल आलम की रिपोर्ट। जो लुकई माई के पास जो बांध है, वो बांध टूट गया है। पिछले साल भी मरम्मत हुआ है, मगर सही से मरम्मत नहीं होने के कारण ये फिर इस साल टूट गया है। और धान का बिया जो है पूरा, और रोपा हुआ भी जो भी था, वो सब पूरा नुकसान हो गया है। और चार पांच ये पंचायत में पूरा पानी घुस गया है, जैसे दुबे टोला हो गया, सतपिपरा हो गया, नरीरगिर हो गया, इधर भलवैया हो गया, गुरहनवा हो गया, ये सब में पूरा यानी क्षतिग्रस्त हो गया है पूरा। इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। नदी में के पानी सब सरे में ढूक गई, सब बिया जी वैसे दहा गई, और रोड टूट गई, जाना से आवागमन सब जीवा से बंद हो गई, धान पान सब नुकसान हो गई। पानी कहाँ से आई बा, केंगे भइल बा, बताई।